कि खाना हिंदुस्तान का, रहना हिंदुस्तान में, नौकरियां हिंदुस्तान से चाहिए, हर चीज हिंदुस्तान से चाहिए, लेकिन देश प्रेम ये पाकिस्तान का नौकरी लेने जाते हैं तो इनकी नौकरियां नहीं, इनको जूते मिलने चाहिए, गोलियां मिलनी चाहिए। जिसको पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान चला जाए, उसके लिए ये जो बॉर्डर है वो खुला है, वो पाकिस्तान जा सकता है। कश्मीर के अंदर कल पाकिस्तान के जीतने के उपरांत जश्न जो मनाया गया, बम पटाखे फोड़े गए और सड़कों के ऊपर लोग आए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इससे ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पर हालात किस प्रकार के और ये लोग कौन हैं। ये लोग देशद्रोही हैं। जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं वो इस टाइम कश्मीर के अंदर हैं। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपकी जितनी एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही हैं, उन एजेंसियों को आदेश दिए जाएं, उन एजेंसियों को कहा जाए कि इन लोगों को वेरीफाई किया जाए और इनके चेहरे जो हैं वो सामने लाए जाएं। इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी मुलाजिम भी हैं, तो इसलिए ये इन लोगों को सामने लाना चाहिए, जबकि क्लियर है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम भी जो है वो कहीं भी देश के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन ये देशद्रोही लोग, ये केवल जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, ये देश के कई हिस्सों में ये घटनाएं हुई हैं। कश्मीर के अंदर भी एक कॉलेज के अंदर इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। वीडियो जो हैं वो फेसबुक के अंदर भरी पड़ी हैं। तो चेहरे क्लियर हैं, माननीय हो गृह मंत्री साहब जी से हम ये निवेदन करते हैं कि इनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसे देशद्रोहियों को गोली चाहिए। केवल ऐसे देशद्रोहियों के लिए कहीं भी इस देश के अंदर कहीं कोई जगह नहीं है। जिसको पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान चला जाए, उसके लिए ये जो बॉर्डर है वो खुला है, वो पाकिस्तान जा सकता है। क्या जिस प्रकार से हमने पहले भी विरोध किया है कि किसी भी ऐसे आतंकवादी को, ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन जो है वो CID करती है, कई एजेंसियां करती हैं। जब ये नौकरी लेने जाते हैं तो इनकी नौकरियां नहीं, इनको जूते मिलने चाहिए, गोलियां मिलनी चाहिए। ऐसे मैंने कहा देश के कई हिस्सों में ऐसा हुआ है, लेकिन खास पर जो है वो कश्मीर के अंदर ऐसी घटना। जानीपुर के अंदर भी व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे स्टेटस जो हैं वो हमारे पास आए हैं कि कुछ लोगों ने ऐसे स्टेटस डाले हैं और पाकिस्तान खिलाड़ियों के फोटो डाल के उन्होंने लिखा है बाप इज कमिंग, और इस प्रकार की भाषा का उपयोग देश के लिए गद्दारी नहीं तो और क्या है। कभी उन सैनिकों के लिए याद देखिए, इन गद्दारों को या तो गोली मिलनी चाहिए या तिहाड़ जेल, उससे कम कुछ भी हमें बर्दाश्त नहीं। इसलिए आज हम वार्न करने आए हैं। देखिए हमारे भी जज्बात हैं, हम भी देश प्रेम से हमारे अंदर भी देश प्रेम है। अगर कोई हमारे सामने इस प्रकार की घटना करेगा तो क्या हम उसको छोड़ेंगे? हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम पहले जो है प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे। अगर प्रशासन नहीं देता तो हमारे हाथ खुले हैं, फिर कार्रवाई हम खुद करेंगे। सैनिक हमारे शहीद होते हैं, जब हमारे सैनिक शहीद होते हैं इनके पास किसी प्रकार की उनके साथ खड़े होने की कहीं भी इनके पास ना तो समय है, ना ही इनके पास कोई मोमबत्ती है, ना कोई दिया है जलाने के लिए। लेकिन जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो ये उसको शहीद कहते हैं, और जब कोई सैनिक मारा जाता है, शहीद होता है, तो उसको मारा गया कहते हैं। तो ये देश के सैनिकों का अपमान है जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए जो शहादत दी है। देखिए खाना हिंदुस्तान का, रहना हिंदुस्तान में, नौकरियां हिंदुस्तान से चाहिए, हर चीज हिंदुस्तान से चाहिए, लेकिन देश प्रेम ये पाकिस्तान का दिखाएंगे।